राजस्थान विधानसभा के चुनाव नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। 199 सीटों पर हुए चुनाव में रुझान के मुताबिक बीजेपी 115 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि कई जगह अब नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। जयपुर की विद्याधर नगर सीट पर बीजेपी की दिया कुमारी ने चुनाव जीत लिया है। फिलहाल बीजेपी सांसद दिया कुमारी को पार्टी आलाकमान ने विद्याधर नगर से विधायकी के चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा था। दिया कुमारी ने 50,000 वोटों से चुनाव जीत लिया। सबसे पहले तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे जो नेतागण हैं, हमारे जेपी नड्डा जी, हमारे अमित शाह जी और हमारे सभी केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे जितने भी प्रदेश के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे सभी प्रदेश के नेतागण और फिर हमारे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, क्योंकि मैं नई थी क्षेत्र में लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ा, मुझे एक एक घर तक ले जाने का जो काम किया है हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो मैं पूरा मेरी जीत का श्रेय उनको भी देना चाहूँगी। और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ी है और परिणाम भी बहुत अच्छा आया है। और जैसा कि हमने देखा कि गहलोत सरकार पर पूरी तरह से जनता को विश्वास, जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है और जिस तरह से केंद्र सरकार की योजना जनता तक पहुंची है, डिलीवरी हुई है, दूसरी ओर डिलीवरी नहीं हुई है, बहुत सारी बड़ी बातें हुई हैं, तो बिल्कुल इन सब का मुझे लगता है कलेक्टिव ये जो कमाल था, मैजिक था, और मोदी जी का जो मैजिक था मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा तो वही काम आया है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में हम लोग बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बना रहे हैं, ये उसी का मुझे लगता है कि रिजल्ट है कि जिस तरह से हम लोग सब, पूरी जनता, पूरी देश की मोदी जी पर विश्वास करती है और मेहनत की, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत जो हमारा कार्यकर्ता नीचे से लेके ऊपर तक एक कार्यकर्ता के रूप में हम सब ने एक साथ कलेक्टिवली काम किया है, उसका ही नतीजा है। इसके अलावा बीजेपी के लिए सीएम फेस कहे जा रहे बाबा बालकनाथ अभी पीछे चल रहे हैं। बाबा बालकनाथ को अलवर की तिजारा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया था, वो फिलहाल करीबी मुकाबले में पीछे चल रहे हैं। मतलब इन नतीजों से साफ हो गया है कि राजस्थान में एक बार फिर से राज बदलता दिख रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा।